टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ये एफ्लक्स की वेलोसिटी होती क्या है इसको समझते हैं। इमेजिन कर लो आपके पास एक कंटेनर है, ये वो कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर की हाइट तो और भी बड़ी हो सकती है, पर हमें कंटेनर की हाइट से लेना देना नहीं है, हमें तो लिक्विड की हाइट से लेना देना है। हमारी लिक्विड की हाइट ये रही, तो लिक्विड हमने इसमें भर दिया, हमने एक होल कर दिया। इस चैप्टर में होल को ओरिफिस भी बोलते हैं, ओरिफिस या होल। तो एक ओरिफिस कर दिया ये रहा, बहुत छोटा सा, तो यहां से होल में से पानी निकलना शुरू हो गया। क्वेश्चन है, निकलते ही वेलोसिटी कितनी है लिक्विड की ये बताओ। जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा इसकी कोई वेलोसिटी भी तो होगी, ये वेलोसिटी की वैल्यू बताओ क्या होगी। और लिक्विड जब कंटेनर में होल होता है और लिक्विड बाहर निकलता है, उस वेलोसिटी को फिजिक्स में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बताओ तो लिक्विड की वेलोसिटी निकलती क्या कहलाएगी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ये मुझे निकालना है। और सेकेंड पार्ट ये भी निकालना है कि जब ये लिक्विड जमीन पर गिरेगा तो ग्राउंड पे कितनी दूरी पे गिरेगा, आर दूरी पे गिरेगा। आपको बताना है आर की वैल्यू क्या है, इसको रेंज बोलते हैं, लिक्विड की रेंज क्या है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। अब एक चीज समझे, यहां पे ये लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहे, तो आपको यहां पे वेलोसिटी निकालनी है। तो आप सिंपली एक काम करें, आप दो पॉइंट्स लें, एक पॉइंट जो लेना है आपको इसकी लाइन में लेना है, ठीक। ये मैंने एक लाइन खींच ली, ये मॉलिक्यूल की बाहर खिसकने की बारी आ गई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक अगले नीचे नहीं आएंगे, इसको साथ साथ निकलना है और ये नीचे की तरफ आएगा। टैंक का एरिया बहुत बड़ा एज्यूम करना है एज कम्पेयर टू दिस होल, होल का एरिया बहुत छोटा है, टैंक का बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा होल करके बैठ जाओ और सारा पानी एक सेकंड में निकल गया, ऐसा नहीं करना। तो ये अजम्पशन है, आप कहोगे फिर अगर एरिया छोटा हो तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊंगा। इसका एरिया अगर कंपैरिजन में हो तो फिर कुछ और तरीके से करेंगे, पर इसके अंदर ये अजम्पशन है कि एरिया बहुत बड़ा है। अब आप एक काम करें, इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले ले एक्स, इस लाइन में एक्स, एक्स का मतलब कोई भी एक पानी का पार्टिकल ले लिया जो इस लिक्विड के अंदर है, और एक पॉइंट इमीडिएटली बाहर लें, इमीडिएटली इस होल के बाहर ले लें। बाहर का मतलब जहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। तो दो पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, एक अंदर एक बाहर। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैं इमेजिन कर लो कि आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, आप पानी के पार्टिकल हो। आप ये लाइन जो कोने की लाइन है, इस कोने की लाइन की बारी आ गई खिड़की से छलांग मारने की, खिड़की बहुत छोटी है और बंदे बहुत भरे पड़े हैं, मतलब ये सोचो क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उनको छलांग मारनी है इस विंडो से। अब करना क्या है, अब इमेजिन करो कि जो तो अंदर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर प्रेशर क्या है, एटमोसफेयर प्रेशर भी है और साथ में लिक्विड का प्रेशर भी है, लेकिन जो बाहर निकल गया वो पानी से तो बाहर छूट गया। अब सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा वाई पॉइंट पर, ओनली एटमोस्फेरिक। तो एक्स पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर है, वाई पॉइंट पर तो सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर कूदते ही आपका प्रेशर एटमोस्फेरिक हो गया, और बाहर कूदते ही इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ्लक्स हो गई, ठीक। कुछ वेलोसिटी से जंप करेगा और अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, लेकिन एक्स की वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की राइट की तरफ खिसकने की वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर, ऑलमोस्ट जीरो। आपके जीरो, अगर जीरो होगी फिर तो चलेगा ही नहीं, मैंने जीरो नहीं बोला, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत स्लो। आपको कि वो कैसे, आप इमेजिन करें लाइन लगी पड़ी है, भीड़ लगी पड़ी है स्टूडेंट की, और बच्चा एक ही निकल सकता है विंडो से। अब अंदर से एक दूसरे को धक्का मुक्की करे जा रहे हैं कि बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, कोई नहीं पा रहा, निकल तो वही पा रहा है, और जो छलांग मार गया वो बहुत तेज छलांग मारेगा, क्योंकि जो तो बाहर निकल गया वो फ्री टू मूव है। तो इसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है पर अंदर खिसकने की वेलोसिटी बहुत ही कम है, इसलिए हम अंदर की वेलोसिटी को, मैं ये तो नहीं कहूंगा जीरो, बट ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, जीरो। क्लियर है आर्टिक, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी स्लो। तो आप एक काम करें, आप x और y पॉइंट लें, x और y पॉइंट पर बर्नौलीज लगा दें। तो ये मैंने बर्नौलीज लगा दिया x पॉइंट पर, प्रेशर p बाई रो जी एच वी एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स और y पॉइंट पर बर्नौलीज लगा दी, वैल्यूज पुट करें, बताओ x पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। और एक इंपॉर्टेंट है, इस होल की लिक्विड के लेवल से हाइट क्या है h, और ग्राउंड से हाइट क्या है h डैश। बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, आपको कंटेनर की हाइट से एच गिवन होगा, नहीं चाहिए। कंटेनर तो तुम छत तक बना लो,
उसे मैंने क्या करना, मेरे को तो पानी से लेना देना है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतनी तेजी से ये लिक्विड बाहर निकलेगा। तो मेरे को हाइट कहाँ लेनी है, होल और इस लिक्विड के लेवल की हाइट लेनी है। तो इस केस में ये हाइट कितनी है, एच। तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी। तो पी एटमोस्फेरिक प्लस एक्स रोजी, और जी एच को तो छोड़ ही देना, और वैसे भी एक्स और वाई पॉइंट की हाइट तो ग्राउंड से वैसे भी सेम ही है। नेक्स्ट, वी एक्स की वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या ली जाएगी, जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो है ये। बाहर निकलते ही वाई पॉइंट का प्रेशर क्या हो गया, पी एटमोस्फेयर, क्योंकि वाई पॉइंट तो बिल्कुल कंटेनर के बाहर लाई करता है, तो प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर, और निकलते ही वाई पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी एफ्लक्स। तो वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इसको मैंने ओपन किया, पी एटमोस्फेरिक बाय रो, एच रो जी बाय रो, रो से रो कैंसल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसल हो गई और टू इधर चला गया, तो क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या सही छोटा सा फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट ऑफ टू जी एच। मतलब कि अगर आपके पास एक होल है, होल से इस ऊपर के लिक्विड की हाइट अगर एच है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो है वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, होल के नीचे की हाइट का वेलोसिटी में कोई काम नहीं है। तुम नीचे जो मर्जी पानी भरो, उसने कौन सा बाहर निकलना है, होल से ऊपर जो पानी है वो बाहर निकलेगा, तो उसकी हाइट मैटर करती है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, और एच का मतलब क्या है, हाइट कहां से कहां तक, होल से लेके पानी के लेवल तक की, कंटेनर की हाइट नहीं है, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, लिक्विड के लेवल तक की हाइट है। फिर अगला पार्ट आएगा, लिक्विड कितना दूर जाके गिरा ग्राउंड पे, ये बता दो, रेंज बता दो। अब याद कर लो अपने प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स, प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम आ गई, कैसे, लिक्विड कितनी हाइट से गिरा, एच डैश, और जब लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें वाई एक्सिस में लगाएंगे एच डैश इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में क्या होती है, जीरो। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आएगा, इतने समय में लिक्विड नीचे गिरा, और एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को निकालना है, तो एस इज इक्वल टू वी टी याद करो, तो डिस्टेंस कितना कवर किया लिक्विड ने आर, और किस वेलोसिटी से किया एफ्लक्स, और कितने समय में किया टी। एफ्लक्स तुम निकाल चुके हो, टी तुम निकाल चुके हो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच एच डैश। मतलब कि अगर आपको ये कोई पूछ ले डायग्राम में कि बताओ लिक्विड कितना दूर जाके गिरा, तो तुम इस होल के नीचे की हाइट लोगे, इस होल के लिक्विड तक की ऊपर की हाइट लोगे, और रेंज का एक शॉर्टकट याद करोगे 2 इंटू एच इंटू एच डैश। मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है, एच और एच डैश मैंने नहीं याद किया हुआ, मैंने ये किया हुआ है होल के नीचे की हाइट और होल के ऊपर की हाइट, यहां पुट कर दो आंसर। ये कल को वो ना चेंज करता रहेगा ये नंबर्स, तो फिर याद करना इजी हो जाएगा, होल के ऊपर की हाइट, होल के नीचे की हाइट, पुट करो रेंज आ गया। तो हमने दो फॉर्मूलास कर लिए, एक वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का और दूसरा रेंज का। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसमें ये अजम्पशन है कि एरिया बहुत बड़ा है, इसमें ये अजम्पशन है कि इसमें जो लिक्विड है वो एक किस्म का लिक्विड है जिसकी एक ही डेंसिटी है रो। क्या होगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, डेंसिटी, दो डेंसिटीज हैं 2D और D, अब निकालो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स।